बीज हमें ऐसा मिले, सरकार ऐसा व्यवस्था करे कि बीज ठीक मिले, हर दुकान पर अच्छा मिले, जैविक मिले। और मुश्किल जो आपको आ रही है उसको वहां पर उनको बता सकते हैं। अब मैं श्रीमान पूर्णचंद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और जो समस्या यहां पर रखें। माननीय पूरण जी, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंच पर ग्राम अधिकारीगण, दूर दराज, इतना खुलासा हो रहा है कि इनका समाधान भी हो जाएगा। एक समस्या हमारे मन में एक और आ रही है जो सबकी समस्या है, क्योंकि पूरे विश्व का आत्मा जो है वो भारत है और भारत की आत्मा गांव है और गांव की आत्मा जो है वो किसान और गाय है। किसान भी दुखी है और गाय भी दुखी है। किसान की खेती जो है जैविक खेती ना होने की वजह से जो ये आजकल विदेशी तकनीकी से जो खेती की जा रही है, इससे तो हो सकता है हमारा अनाज बड़ा हो, परंतु इसके साथ साथ किसानों की जो पहले समय था सब लोग बैल पालते थे, गायें पालते थे और उनके लिए जगह होती थी, लेकिन आजकल ऐसा समय आया है जो हमारे गायें चराने वाली जगह किसानी करनी है तो हमें गाय भी पालनी है, बछड़े भी पालने हैं, उसके लिए हमें चरने फिरने के लिए जो सरकारी जगह है वो भी उनके लिए होनी चाहिए, तभी हम किसान जो हैं वो उठते हैं और दूध का उत्पादन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। में इतना कहते हुए भारतीय किसान संघ और जोर से, क्योंकि हमारी आवाज भारतीय किसान संघ में है, उनको दिनेश कुलकर्णी और डीसी के माध्यम से अखिल भारतीय संगठन भारतीय किसान ऐसा आश्वासन और विश्वास। भारतीय किसान संघ का काम पूरे देश भर में चलता है और इस वर्ष हमारे पूरे देश भर में सभी जिलों में जाकर भारतीय किसान संगठन खड़ा करने का राजस्थान कोटा के अंतर्गत इस उधमपुर जिले में भी ये हमारा जिला का अधिवेशन संपन्न हुआ। भारतीय किसान संघ एक किसानों का किसानों के लिए किसानों द्वारा चलाए जाने वाला गैर राजनीतिक अखिल भारतीय संगठन है। अब कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या है, कन्याकुमारी किसान काम हर जिले के अंदर है, उठाना चाहता है उसके लिए उसको संगठित होना चाहिए और इस प्रकार का ही प्रयास भारतीय किसान संघ के माध्यम से पूरे देश भर में चल रहा है। आज उधमपुर के जिले में इसके सभी ब्लॉकों के किसान भाई बहने यहाँ और अभी इस उधमपुर जिले में कठुआ सांबा सेक्टर में जो किसानों की मूल समस्या है उसके बारे में प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ, उसमें तीन प्रकार की मुख्य समस्याएं सामने आई है। एक तो किसान को बीज और खाद यह सही समय पर और अच्छे क्वालिटी का मिलता है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको सही समय पर और कालाबाजारी न करते हुए किसानों को उपलब्ध किया जाए। दूसरी मांग किसानों की ये है कि इस क्षेत्र में जंगली क्षेत्र होने के कारण बंदरों की काफी बड़ी समस्या है और आज छोटे मोटे सभी किसान इस समस्या से बड़े त्रस्त है, परेशान है। तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसकी जो कुछ भी नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान किसान को जल्दी से जल्दी मिले, इसकी व्यवस्था हो। और दूसरा इसका एक लंबा निदान ये भी है कि जंगलों में जो आज फलदार वृक्षों की कमी हो गई है, इसके कारण ये जानवर निकलकर खेतों तक आ रहे हैं, तो हमारा वन विभाग, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस प्रकार के फलदार पौधों की भी और करे अपने जंगलों में लगाए ताकि इसका निदान हो सके। और तीसरी समस्या आज किसानों के सामने जो बड़ी है वो विपणन की समस्या,
किसान पैदा तो कर लेता है और पैदा की हुई चीज को बिक्री करने में काफी कठिनाई आती है। केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया मूल्य, मगर राज्य सरकार के नाकामी के कारण यहाँ की किसानों की खरीद नहीं हो रही। तो इसलिए हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि कृषि उपज मंडियों की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उसी किसान को राहत मिलेगी। इन सभी मुद्दों को लेकर ये हमारा उधमपुर का जिला अधिवेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अभी अपना किसान सबका काम पूरी ताकत के साथ में शुरू हो गया है।